पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज मुरादाबाद के हिंदी स्नातकोत्तर अध्ययन और शोध विभाग के तत्वावधान में मधुर ताज स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय स्तर पर हिंदी की विभिन्न कक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर महाविद्यालय और महानगर के हिंदी सेवी शिक्षकों और साहित्यकारों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन और वंदना से किया गया। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। महाविद्यालय के मुख्य नियंता डॉक्टर सुधीर कुमार ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मीना कौल ने कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए बताया कि ये कार्यक्रम उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था, इसीलिए इस कार्यक्रम को मधुर ताज स्मृति सम्मान समारोह के रूप में आयोजित किया जाता है और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ये कार्यक्रम निर्बाध रूप से चल रहा है। समारोह में बीए प्रथम में हिंदी भाषा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए मोहम्मद शाकिर को और हिंदी साहित्य में विपिन को पुरस्कृत किया गया। बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी भाषा और साहित्य के लिए संजना सिंह, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के लिए कुमारी चित्रा को, एमए पूर्वार्ध के लिए शिप्रा रानी और एमए उत्तरार्ध के लिए दिनेश कुमार सिंह को पुरस्कृत किया गया। हिंदी की सेवा में लगे हुए हमारे टीचर्स और हमारे साहित्यकारों का सम्मान किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे महाविद्यालय में हिंदी विषय में, चाहे वो भाषा हो या साहित्य, जो सर्वोच्च अंक लेकर बच्चे आए हैं या जिनके लेकर आने की संभावना थी, क्योंकि इस बार तो कुछ परीक्षा ही होनी, उन्हें प्रमोट किया गया, तो उन बच्चों को हमने यहाँ पर पुरस्कृत किया है। ये कार्यक्रम विगत कई वर्षों से मैं डॉक्टर मीना कौल अपने माता पिता की स्मृति में लगातार करती आ रही हूँ और इस पुरस्कार को और इस सम्मान समारोह को नाम हमने दिया है मधुर ताज स्मृति पुरस्कार एवं सम्मान समारोह। इसका एकमात्र उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि जो लोग हिंदी के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अपने माता पिता के साथ जोड़ के एक सच्ची भावांजलि प्रस्तुत करनी। क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से? बिल्कुल, एक समय ऐसा होता है कि जब हम समाज से सब कुछ ग्रहण करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमें समाज को कुछ देना भी चाहिए और हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हमने जो समाज से लिया है वो दुगनी क्षमता के साथ उसे वापस करना चाहिए और समाज के जितने भी लोग हैं उनको इस तरह के कार्यक्रमों में से तो जुड़ना ही चाहिए और जहाँ तक हो सके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कुछ ना कुछ लगातार करते रहना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।